स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज कुछ विशेष विषयों पे आपसे बात की जाएगी और फिर आपको पैथोलॉजी का जो है एक नया सेक्शन डिस्कस किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज पे आज हमको आपको आपसे बात करनी है कि प्लांट्स को डिजीज़ को कैसे क्लासिफाई किया जाए। फिलहाल देश की स्थिति परिस्थिति आप सभी विद्यार्थियों से छुपा नहीं है, स्थिति देख रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ने की पूरी संभावना है। इन स्थितियों में महाविद्यालय परिवार जो है पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहा है और हम सब अपने अपने घरों में रह करके जो है आपके शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। महाविद्यालय के विषय में आपको बताना नहीं है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से किस पठन पाठन का माहौल किस तरह से यहाँ पे हम लोग बना के रखते हैं और उन्हीं माहौल को जो है हम चाहते हैं कि आपके घरों तक पहुँचे और आप सभी लोग जो है इस लॉकडाउन के समय का फ़ायदा उठा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इस समय परिस्थितियाँ जो हैं बहुत विपरीत हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन, आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी गार्जियनों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। विशेषतः जो गार्जियन हैं उनसे निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, इधर उधर घूमें टहलें ना, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक हम लोगों पर विश्वास बना के रखा है, आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी गार्जियनों का, हम और हमारा महाविद्यालय परिवार आभारी है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं अपने विशेष सत्र को, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज है, हम बात उस पर करेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ में आपको ये जानना है कि डिजीज़ के क्लासिफिकेशन की, यानी कि डिजीज़ को क्लासिफाई किया जाए और क्लासिफिकेशन करने के पीछे कारण ये है कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से जो है प्लांट डिजीज़ जब क्लासिफाई हो जाता है तो ये पता चलता है कि डिजीज़ होते कैसे हैं, किस तरह से होता है, क्या तरीका होता है उसके इन्फेक्शन का या उसके आने का, इंसिडेंस का क्या तरीका होता है, किस किस तरह से प्लांट डिजीज़ का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है और बेसिक क्लासिफिकेशन में जो है बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं, बहुत सारी विधियों से जो है डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला क्लासिफिकेशन का बेस है, तो पहला बेसिस आप यहाँ पे देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच प्लांट डिजीज एसोसिएटेड विथ प्लांट, यानी कि जो है डिजीज़ जो है प्लांट के साथ कैसे एसोसिएट होता है बात उसकी कर, उसके आधार पे हम कैसे जुड़ता है, उसके आधार पे जो हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको। तो एक तो होता है लोकलाइज्ड और एक होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक और लोकलाइज्ड का मतलब ये देखिए, पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच प्लांट डिजीज एसोसिएटेड विथ प्लांट, देखिए इसका मतलब ये है कि किस एक्सटेंट से, किस तीव्रता से जो है प्लांट डिजीज जो है वह प्लांट के साथ जुड़ रहा है, प्लांट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो पहले जो मेथड है वो लोकलाइज्ड मेथड है, दूसरा जो है सिस्टेमिक मेथड है। लोकलाइज्ड मेथड से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लोकली जो है उस प्लांट को, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट को जो है ये लोकली अफेक्ट कर रहा है कि इसकी पूरी की पूरी सिस्टमेटिक्स को, इसकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ मामला यहाँ पर इतना ये है, ठीक है। जो दूसरा बेसिस है प्लांट डिजीज के, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, थोड़ा होल्ड करेंगे आप, चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे दूसरे मेथड की, दूसरे में आप देखेंगे तो दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रिकॉशंस, सॉरी परप्यूटेशंस एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किस तरह से जो है यह प्लांट डिजीज जो है प्लांट्स के ऊपर आता है और किस तरह से जो है इन्फेक्ट कर रहा है बात हम वहाँ पर ये करेंगे। तो यह जो डिजीज़ है परप्यूटेशन के आधार पर या मोड ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है, या वो सॉयल से इन्फेक्ट कर रहा है या एयर से इन्फेक्ट कर रहा है या सीड से इन्फेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको बता दूँ कि सपोज दैट कि यह प्लांट है तो प्लांट की आप सोइंग करेंगे, प्लांट को लगाएंगे और लगाने के बाद पहला काम ये करते हैं कि प्लांट को जो है हम लगाते हैं किसके अंदर, सॉयल के अंदर। तो ये जो डिजीज़ है ये सॉयल से आया कि यह डिजीज़ जो एयर जो है जो इस प्लांट के कॉन्टेक्ट में है उससे गया,
कि ये जो है जो सीड हम लगा रहे थे उस सीड से जो है यह डिजीज़ स्प्रेड हुआ, तो ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर परपिटेशन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना, कि सॉयल से इन्फेक्ट हुआ, कि एयर से इन्फेक्ट हुआ, कि सीड से इन्फेक्ट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर बातें आपको नहीं समझ में आती हैं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे अपने प्रश्न के माध्यम से कमेंट करें, उत्तर आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए तीसरे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो बेसिस जो है सिम्टम्स के आधार पर क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करेंगे। सिम्टम कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो बनते हैं उनके आधार पर क्लासिफिकेशन की हम बात करें। सिम्टम्स और सिम्टमोलॉजी हम लोग को बाद में पढ़ना भी है, फिलहाल आप यहाँ सिर्फ नाम जान लें कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और उन सिम्टम्स के आधार पर जो है हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो प्लांट डिजीजेज होती हैं वास्तव में जो है कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है यह क्रिएट किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरा मतलब ये है कि वायरस है, कि फंजाई है, कि बैक्टीरिया है, कि माइकोप्लाज्मा है, या अन्य कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा जो है यह डिजीज़ इंसिडेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आप स्पष्टता देखिए कि यह जो है रस्ट के कारण हो रहा है। रस्ट डिजीज़ होगा, स्मट डिजीज़ होगा, रॉट्स होगा, ब्लाइट होगा, लीफ स्पॉट होगा, कैंकर होगा। मैं एक एक को आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि रस्ट जो होता है यह फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, स्मट भी होता है, रॉट जो है आप देखोगे शुगर केन के अंदर जो है इस तरह से लाल लाल जो है बीच में जो है इस उसके स्टेम में उसके गन्ने में जो है आप देखेंगे कि जो है कुछ लाल लाल पत्तियाँ या पत्तियों में देखेंगे कि लाल लाल जो है धारियाँ बन जाती, ये क्या नाम है आपका जो है रॉट है। ब्लाइट आप देखते हैं कि पोटैटो के ऊपर जो है आपको ब्लाइट दिखेगा। लीफ स्पॉट यानी कि लीफ के ऊपर जो है आपको बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे। कैंकर ये जो है नींबू की बीमारी है, नींबू में आप देखेंगे किस तरह से लोकली जो है लेसन फार्म होता है। फिर विल्ट है, फिर पाउडरी मिल्डू है, सॉरी डाउनी मिल्डू है, पाउडरी मिल्डू है, एंथ्रैक्नोज है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्लांट डिजीज के समय जो है प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट पर दिखते हैं, और उन आधार पे भी जो है हम डिजीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं कि रस्ट डिजीज है, कि स्मट डिजीज है, कि रॉट है, कि ब्लाइट है, कि लीफ स्पॉट है, कि कैंकर है, कि विल्ड है, कि मिल्डू है, कि एंथ्रैक्नोज है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का मतलब ये है कि होस्ट प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर डिजीज काज होती है, यानी कि जिनके ऊपर डिजीज इंसिडेंस होता है उनको हम कहते हैं होस्ट प्लांट। जिनके भी ऊपर डिजीज इंसिडेंस हो रहा है उनको हम होस्ट प्लांट कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्लांट है तो ये इस प्लांट के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा वो हो जाएगा पैथोजन, और जिस प्लांट के ऊपर अटैक करेगा वो हो जाएगा होस्ट, ठीक है ना। तो होस्ट प्लांट किस तरह का है इसके आधार पर भी जो है हम डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। सीरियल डिजीज मतलब कि एक वर्षीय पौधे जिनसे आप अनाज प्राप्त करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सारे जो पौधे हैं ये सीरियल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, और इनके ऊपर जो डिजीज होता है उसको कहते हैं सीरियल डिजीज। दूसरा जो है वेजिटेबल डिजीजेज है। वेजिटेबल डिजीज यानी कि वेजिटेबल सब्जियों को देने वाले जो पौधे हैं, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, मतलब विभिन्न जो सब्जियाँ जिन पौधों से हम प्राप्त करते हैं उनके ऊपर जो डिजीज लगती है उनको हम कह देते हैं वेजिटेबल डिजीज। नेक्स्ट जो है फ्रूट डिजीज, यानी कि ऐसे भी पौधे हैं जिनसे हम फ्रूट प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंगो हो गया, जामुन हो गया, अमरूद हो गया, और ने भी बहुत सारे जो भी हैं जिससे हम फ्रूट प्राप्त करते हैं, फ्रूट का उपयोग करते हैं, उनको हम उनके ऊपर अगर कोई डिजीज जो है काज होता है किसी पैथोजन के माध्यम से तो वो हो जाएगा फ्रूट डिजीज। फॉरेस्ट डिजीज के मतलब ये है कि ऐसा पौधा जो हमको टिम्बर देता है, जो हमारे विभिन्न उपयोगों में विभिन्न वस्तुओं को बनाने में उपयोगी होता है या विभिन्न कार्य में हम उसको लेते हैं, तो फॉरेस्ट के ऊपर या फॉरेस्ट प्लांट्स के ऊपर जो डिजीजेज होती हैं उनको हम कह देते हैं फॉरेस्ट डिजीज। फिर ऑर्नामेंटल डिजीज़ की हम बात करें तो ऑर्नामेंट, स्वागत है पुनः आपका। तो मैं बता रहा था कि कौन सा होस्ट प्लांट किस होस्ट प्लांट पे डिजीज क्रिएट करता है, जिस होस्ट प्लांट पे डिजीज करेगा उसी होस्ट प्लांट के नाम पे जो है उस डिजीज़ का नाम रख देंगे। तो मैंने आपको बताया कि सीरियस डिजीज, फिर वेजिटेबल डिजीज, फ्रूट डिजीज, फॉरेस्ट डिजीज और ऑर्नामेंटल डिजीज। सीरियल डिजीज का कहने का मतलब ये है कि वैसे पौधे जो हमको अन्न प्रदान कर, जैसे गेहूं है, चावल है, फिर आपका जो है ज्वार, बाजरा, ये सारे जो हैं सीरियल और मिलेट्स के अंदर आते हैं। तो सीरियल्स के ऊपर यानी कि जो अन्न देने वाले फसल पौधे हैं अगर उनके ऊपर कोई डिजीज़ क्रिएट होता है तो उसको हम कहेंगे सीरियल डिजीज़।
जिन पौधों से हमको वेजिटेबल प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती हैं, अगर सब्जियों के ऊपर डिजीज करने वाला यानी कि बीमारी करने वाला कोई पैथोजन है तो वैसे को हम कह देंगे वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों के ऊपर जो डिजीज क्रिएट होगी या वेजिटेबल्स के ऊपर जो डिजीज क्रिएट होगी वो वेजिटेबल डिजीज। ऐसे पौधे भी कुछ होते हैं जिनका फ्रूट हम उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए बनाना यानी कि केला, अमरूद, सेब, संतरा, जो भी है जो फ्रूट्स हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अगर फ्रूट के ऊपर, फ्रूट प्लांट्स के ऊपर अगर डिजीज क्रिएट हो रहा है तो फ्रूट डिजीज। अगर टिम्बर देने वाले पौधे यानी कि जो लकड़ी देने वाले पौधे जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं तो लकड़ी देने वाले पौधों के ऊपर जो डिजीज क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डिजीज। और नेक्स्ट जो है ऑर्नामेंटल डिजीजेज हैं, ऑर्नामेंटल डिजीजेज मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम सजावट के लिए करते हैं, यानी कि हम अपने लार में लगाते हैं, अपने घरों में उपयोग करते हैं, फूल के रूप में करते हैं, या उसको जो है अपने परिवेश को सजाने में उपयोग करते हैं उन पौधों का, तो वैसे पौधों को हम ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं। और अगर वैसे प्लांट्स के ऊपर अगर कोई डिजीज क्रिएट होता है तो हम कह देंगे ऑर्नामेंटल डिजीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी थोड़ा आप दिक्कत महसूस करें, कहीं भी भाषा के आधार पर कोई दिक्कत महसूस करें तो वीडियो के नीचे निश्चित कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है उसी कमेंट के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मन लगाकर पढ़ें, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपको। तो देखिए कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन देखिए कि बात यहाँ पर की गई थी, पहला बिंदु ये था कि किस एक्सटेंट के, किस तीव्रता के साथ जो है प्लांट जो है डिजीज एसोसिएटेड होता है, किसके साथ, प्लांट के साथ। तो लोकलाइज्ड होता है कि सिस्टमेटिक होता है, बात यहाँ पे हमने दो बिंदु यहाँ पे रखे थे, लोकलाइज्ड यानी कि लोकल कंडीशन में, सिस्टमेटिक मतलब पूरे के पूरे जो है उस एरिया में या उस पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट जो दूसरी बात की थी परपिटेशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात की थी कि किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है, किस तरह से जो है इन्फेक्ट कर रहा है, बात हम इसकी भी किए थे। तो ये तीन तरह का था, दूसरा बिंदु था मोड ऑफ इन्फेक्शन का कि सॉइल के द्वारा वो डिजीज स्प्रेड हो रहा है, कि एयर के द्वारा डिजीज स्प्रेड हो रहा है, कि सीड के द्वारा डिजीज स्प्रेड हो रहा है, ये तीन बिंदु यहाँ पे देखे गए थे। नेक्स्ट अगर तीसरे बिंदु की हम बात करें तो ये सिम्टम्स के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स के आधार पे डिजीज जो है कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे सिम्टम्स के आधार पे अगर डिजीजेस को आप देखें तो आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि रस्ट है, रस्ट डिजीज है, रस्ट क्रिएट करने वाला है, कि स्मट क्रिएट करने वाला है, कि रॉट्स क्रिएट करने वाला है, कि ब्लाइट क्रिएट करने वाला है, कि लीफ स्पॉट क्रिएट करने वाला है, कि कैंकर क्रिएट करने वाला है, कि विल्ट स्प्रेड क्रिएट करने वाला है, कि डाउनी मिल्ड्यू क्रिएट करने वाला है, कि पाउडरी मिल्ड्यू क्रिएट करने वाला है, कि एंथ्राक्नोज। यानी कि ये सिम्टम्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं, और वो सिम्टम्स के आधार पर भी जो है हम डिजीजेज को क्लासीफाई कर सकते हैं कि यह डिजीज कौन सा है, रस्ट है, स्मट है, रॉट है, ब्लाइट है, लीफ स्पॉट है, कैंकर है, विल्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, एंथ्राक्नोज है। इन सारे सिम्टम्स को हम एक नए वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। फिलहाल आप इनका नाम जो है ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे मैंने चौथा बिंदु आपको होस्ट प्लांट के आधार पर बताया था कि सीरियल का डिजीज है, कि वेजिटेबल डिजीज है, कि फ्रूट डिजीज है, कि फॉरेस्ट डिजीज है, कि ऑर्नामेंटल डिजीज है। अब हम बात करेंगे आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप, यानी कि किस क्रॉप के नाम के आधार पे, फसल के नाम के आधार पे भी जो है हम डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, फसल के नाम के आधार पे भी जो है हम डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम बात इसकी करेंगे। तो ध्यान रखिए कि कौन से फसल, जिस फसल पर डिजीज इंसिडेंस होगा, जिस फसल पर डिजीज जो है पड़ेगा या गिरेगा, या जिस फसल पे डिजीज जाएगा उसी फसल के नाम के आधार पे उस डिजीज का हम नाम रख देंगे। जैसे यहाँ पे दो फसल का नाम देकर दिया गया है, विभिन्न जितने भी फसलों में डिजीजेज होती हैं उन फसलों के आधार पे जो है हम उन बीमारियों का नाम रख सकते हैं। जैसे वीट के ऊपर जो डिजीज होगा तो डिजीज ऑफ वीट, यानी कि गेहूँ के ऊपर जो डिजीज होगा वो डिजीज ऑफ वीट, मेज के ऊपर डिजीज होगा यानी कि मक्के के ऊपर जो डिजीज होगा उसको डिजीज ऑफ मेज, पी के ऊपर जो डिजीज होगा यानी कि मटर के ऊपर जो डिजीज होगा उसको हम कह देंगे डिजीज ऑफ पी, ऐसे ही सरसों के ऊपर जो डिजीज होगा उसको हम कह देंगे डिजीज ऑफ ब्रेसिका, या जो भी आप सरसों जो भी आप कहते हैं उस आधार पे जो है उसका नाम हम रख लेंगे। नेक्स्ट जो है पांचवा जो बिंदु है क्लासिफिकेशन का कि कौन सा पार्ट, ध्यान रखिए कि कौन सा पार्ट या कौन सा आर्गन जो है वह पैथोजन के द्वारा जो है अटैक किया जाता है, इस पांचवें पॉइंट में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट अगर आप देखें तो एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं,
जैसा कि आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये रूट हो जाएगा, ये लीफ या इसी को हम कहते हैं फोलियर पार्ट्स, ठीक है ना, फोलियजेस, फोलियर पार्ट्स को कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो सॉयल सरफेस के ऊपर है, ये आपका सॉयल सरफेस है, और सॉयल सरफेस के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सूट, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो डिजीज है, ये जो पैथोजन है, वो रूट पर अटैक करेगा तो रूट डिजीज, क्लियर, कन्फर्म होना चाहिए कि अगर पैथोजन जो है रूट पर अटैक कर रहा है तो रूट डिजीज, अगर पैथोजन जो है सूट पर अटैक कर रहा है यानी कि सॉयल सरफेस के ऊपर जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको कह देंगे सूट डिजीज, अगर जो है पैथोजन जो है इसके फ्रूट पे अटैक कर रहा है, फ्रूट पे अटैक कर रहा है, इस पौधे के फ्रूट पे यानी कि इसके फल पे अटैक कर रहा है तो उसको हम कह देंगे फ्रूट डिजीज, और अगर ये पैथोजन जो इसके लीफ पे, स्टेम पे या ऐसे लोकली जो है अटैक कर रहा है तो उसको हम कह देंगे फोलिएज डिजीज। फोलिएज का मतलब ये होता है कि जो पार्ट्स जो उसके लेटरल अपेंडेजेज उसके जो है दाएं बाएं जितने भी पौधे के ऊपर जो पार्ट्स निकले होते हैं उसको हम कह देते हैं फोलिएज पार्ट्स, और उनके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो फोलियर डिजीज है। तो ये पांचवा बेसिस था क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, अकरेंस के आधार, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है यहाँ पे प्लांट डिजीज को क्लासिफाई किया गया है कि किस तरह से अकर्ड होता है, किस तरह से इसका अकरेंस होता है और किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इस पर ध्यान दें तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए डिजीजेज जो है अकरेंस के आधार पे, तो अकरेंस के आधार पे जो है डिजीजेज जो हैं वो दो तरह की हो जाती हैं, एक जो है इंडेमिक हो जाता है और दूसरा जो है इपिडेमिक आर इपी फाइटोटिक हो जाता है, इंडेमिक और दूसरा जो है इपिडेमिक आर इपी फाइटोटिक। ध्यान रखिएगा इसमें अगर हम आपको बहुत स्पष्ट क्लियर कर दें तो देखिए दो तरह की डिजीजेज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है डिजीजेज जो हैं यह दो तरह की होती हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए पहला जो है दो तरह की हो गई, एक डिजीजेज अकरेंस के आधार पे डिजीज, तो एक जो है इपिडेमिक इंडेमिक हो गई और दूसरी जो है इपिडेमिक हो गई, इंडेमिक और इपिडेमिक। अब जो है इपिडेमिक जो होता है ये भी दो तरह का होता है, एक जो है स्पोरेडिक SPORADIC और दूसरा जो है पेंडेमिक PNDEMIC। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस के आधार पर ये जो डिजीजेज हैं वो दो तरह की हैं, कितने तरह की, दो तरह की, पहला जो है इंडेमिक है और दूसरा जो है इपिडेमिक है। इपिडेमिक भी दो तरह की होती है, वो स्पोरेडिक और पेंडेमिक। तो हम बात करेंगे इंडेमिक डिजीज़ की, इंडेमिक क्या होती है, इंडेमिक डिजीजेज कौन सी होती हैं, इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए आप स्पष्ट यहाँ पे इंडेमिक देख सकते हैं कि इंडेमिक डिजीजेज कौन सी होती हैं। देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए डिजीज मोर आर लेस कॉन्स्टेंटली प्रीवेलेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन ए मॉडरेट टू सेवर फॉर्म इन ए पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, कि अगर कोई डिजीज जो है पूरे वर्ष भर, ठीक है ना, या एक वर्ष से दूसरे वर्ष में, ध्यान रखिए इंडेमिक डिजीज़ कौन सी है, इंडेमिक और इपिडेमिक में जो है अंतर होना बहुत ज़रूरी है। इंडेमिक डिजीजेज वे डिजीजेज होती हैं जो एक वर्ष से दूसरे वर्ष या पूरे वर्ष भर जो है एक पर्टिकुलर देश के अंदर ही क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई डिजीज जो है भारतवर्ष में अगर क्रिएट हो रहा है तो वो इंडेमिक हो जाएगी, ठीक, और अगर पूरे विश्व में, जैसे ये कोरोना है पूरे विश्व में फैला हुआ है तो इपिडेमिक है, और इपिडेमिक का ही जो है एक पार्ट जो है पेंडेमिक, उसके अंतर्गत जो है इस हम कोरोना को लेते हैं। तो एंडेमिक डिजीजेज वे डिजीज जो होती हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है ईयर टू ईयर जो है वो स्प्रेड होती हैं, मॉडरेट टू सेवर फॉर्म यानी कि वो जो है कम से लेकर के ज़्यादा तक नुकसान करती हैं, लेकिन उनके नुकसान का कोई बहुत वो नहीं है कि कम भी कर सकती हैं ज़्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन इनका जो स्प्रेड होगा एक कंट्री के अंदर होगा तो एंडेमिक, ठीक। अगर दूसरी हम बात करते हैं इपिडेमिक की, तो इपिडेमिक या इपिफाइटोटिक इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका इपिफाइटोटिक है इपिडेमिक का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए डिजीज अकरिंग पीरियोडिकली बट इन ए सेवर फॉर्म इन्वॉल्विंग मेजर एरिया ऑफ द क्रॉप, इट मे बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन लोकली बट एज्यूम सेवर फॉर्म ओकेजनली, फॉर एग्जाम्पल रस्ट लेट। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यह जो है पीरियोडिक इसका अकरेंस होता है, यानी कि इस महीने में आई, फिर दो महीने बाद, फिर दो महीने बाद, तो इस तरह से जब पीरियोडिकली अकरेंस हो
और यह जो है क्रॉप के मेजर एरिया को अफेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्रॉप के मेजर एरिया को अफेक्ट करता है, वहाँ पे जो अफेक्शन था या जो नुकसान था वो मॉडरेट टू हाई था, यानी कि कम से ज़्यादा एक तरफ, लेकिन ये मेजर क्रॉप को अटैक करता है। और अटैक करने के बाद जो है यह जो है कभी कभी जो है लोकेलिटी, लेकिन जो है कभी कभी जो है यह बहुत सारी एरिया में जो है फैल जाता है। इसके दो पार्ट हैं, एक जो है स्पोरेडिक है और दूसरा पेंडेमिक है। तो स्पोरेडिक देखिए, ए डिजीज़ विच अकर एट वेरी इररेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन इज़ मॉडरेट टू सेवर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका जो अकरेंस होता है, स्पोरेडिक डिजीज़ जो है उस डिजीज़ को हम कहेंगे जिसका अकरेंस जो है इररेगुलर इंटरवल पर, यानी कि इस साल आया, फिर दो साल बाद आएगा, फिर चार साल बाद आएगा, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं है कि इस साल भी आया तो अगले साल भी, फिर अगले साल, ऐसा नहीं होगा। कभी भी होगा तो इसका जो इंसिडेंस होगा, यानी कि इसके आने की जो इंटरवल जो होगी वो इररेगुलर होगी, तो वैसे डिजीज़ को हम स्पोरेडिक डिजीज़ कहेंगे। और पेंडेमिक डिजीज़ वे डिजीज़ होंगी, देखिए यहाँ पे पेंडेमिक डिजीज़ जो है वे डिजीज़ होंगी, देखिए, अकरिंग थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट आर सब कॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इन मास मॉर्टेलिटी, यानी कि वे डिजीजेज जो एक कॉन्टिनेंट में, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी कि इस ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत, यानी कि एक जो है बहुत सारे देशों में जब फैले तो आप देखेंगे कुल जो पूरा विश्व है, सब पूरे जो है सात मेजर कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है, उसमें से अगर किसी कॉन्टिनेंट में या दो कॉन्टिनेंट में, चार कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो इस तरह के डिजीज़ को हम कहेंगे पेंडेमिक डिजीज़। और इसमें जो है मास ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी कि डेथ रेट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल आप लेट ब्लाइट आप पोटैटो देख ही रहे हैं, साथ में इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो है एक पेंडेमिक डिजीज़ आपके फैला हुआ है, जिससे हम और आप जो है घरों में बंद हैं और इस माध्यम से आपको बताना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, तो उसको भी आप जान लीजिए कि कोरोना भी जो है एक पेंडेमिक डिजीज़ है और इससे आपको बच के रहना है। तो अगर हम बात करें कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंडेमिक डिजीज़ जिसमें जो है लॉस जो होता है वो मॉडरेट टू सेवर होता है, ईयर टू ईयर जो है यह लेस कॉन्स्टेंटली प्रिवलेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक साल से दूसरे साल तक ये जो है कॉन्स्टेंटली नहीं, लेस कॉन्स्टेंटली फैटला है और एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एपिडेमिक या इपीफाइटोटिक जो है ये मेजर एरिया में फैलता है, इसका डिजीज इंसिडेंस जो होता है वो पीरियोडिक होता है और इसमें लास्ट जो होता है वो सेवर होता है, जैसा कि आप देखें एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, रस्ट, लेट ब्लाइट या मिल्ड्यूज। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक में देखिए कि जो इसका इंसिडेंस का जो इंटरवल होता है वो इररेगुलर होता है, लोकेशन और इंसिडेंस ऑफ इंटरवल जो है वो इररेगुलर होता है और इसमें जो लॉस होता है वो मॉडरेट टू सेवर होता है, जबकि पेंडेमिक डिजीज़ जो है एक सब कॉन्टिनेंट में फैलता है और इसके अंदर जो मॉर्टेलिटी का मतलब हो गया डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर, इसमें जो है मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है और एक डिजीज़ आपकी जो है पेंडेमिक डिजीज़ में के अंतर्गत रखी गई है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आगे की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन पैथोजन जनरेशन, यानी कि पैथोजन के जनरेशन के आधार पर जो है डिजीज़ को जो है क्लासिफाई किया गया है, और पैथोजन के जनरेशन के आधार पर जो डिजीज़ क्लासिफाई किया गया है वो देखिए तीन पार्ट में इसको डिजीज़ क्लासिफाई किया गया है पैथोजन के जनरेशन के आधार पे, कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, मोनोसाइक्लिक डिजीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ और पॉलीइक्टिक डिजीज़। ये तीन चीज़ें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जान लेना चाहिए और बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट या मोनोसाइक्लिक डिजीज़ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ क्या है और पॉलीइक्टिक डिजीजेस क्या है। तो बेस्ड ऑन पैथोजन रेजिस्टेंस, यानी कि पैथोजन जो डिजीज़ काज करते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिजीज़ काज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, और पैथोजन के जनरेशन के आधार पे जो डिजीजेज का क्लासिफिकेशन किया गया, बीमारियों का जो वर्गीकरण किया गया, फसली बीमारियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आप देखेंगे तो पहला जो है पैथोजन के जनरेशन के आधार पे जो पहला इसमें है कि सिंपल इंटरेस्ट या मोनोसाइक्लिक डिजीज़। सिंपल इंटरेस्ट या मोनोसाइक्लिक डिजीज़ का मतलब ये है कि दो डिजीजेज द इंक्रीज ऑफ विच इज़ एनालॉगस ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज दो डिजीज विच हैव ओनली वन जनरेशन इन वन क्रॉपिंग सीजन, फॉर एग्जाम्पल लास्ट स्मट ऑफ। देखिए कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज इसको कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट और दो तरह के इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ धन उधार लेना है और आपको अगर स्वतंत्रता दे दी जाए कि किस इंटरेस्ट से, किस ब्याज के आधार पर जो है आप धन उधार लें, तो आपसे कह दिया जाए कि आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट से भी उधार ले सकते हैं
या कंपाउंड इंटरेस्ट से भी उधार ले सकते हैं। आप किससे लेना पसंद करेंगे उधार, तो आपका जवाब होगा कि हम सिंपल इंटरेस्ट से उधार लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट से उधार लेने के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे ब्याज रेट जो है कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज रेट जो है बढ़ता है। ऐसा आप गांव में सुने होंगे या लोग कहते हैं कि ब्याज का भी ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में या चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज का भी ब्याज आपको देना होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, सिंपल इंटरेस्ट या मोनोसाइक्लिक डिजीज़ का मतलब ये है यहाँ पे कि डिजीज़ का जो इंसिडेंस होता है या जो इंक्रीज होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के समान होता है, यानी कि एक लोकल एरिया में सिंपली कम में जो है हो जाता है, एक साल में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ का मतलब ये है कि दो डिजीजेज विच हैव मोर देन वन जनरेशन इन क्रॉपिंग सीजन, यानी कि एक सीजन में नहीं, मोर देन वन जनरेशन, एक जनरेशन से ज़्यादा क्रॉपिंग सीजन में जो है यह देखने को मिलता है इसका इंसिडेंस, इसलिए इसको कह दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। जबकि इसको हम कह देते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़, क्योंकि यह एक सीजन में जो है एक फसल के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक डिजीज़ भी कहते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज़ करने का मतलब है कि अपनी एक बार साइकिल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये खत्म हो जाता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़ को हम कह रहे हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज़, और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ का मतलब यह है कि ये जनरेशन टू जनरेशन दिखेगा, यानी कि एक जनरेशन पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे जनरेशन में, फिर नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरह से इसको हम कह देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। बात करते हैं हम पॉलिटिक डिजीजेज की। तो पॉलिटिक डिजीजेज जो है देखिए यहाँ पे दीज आर आल्सो पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज, ये भी पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज हैं, बट दे कंप्लीट देयर डिजीज साइकिल इन मोर देन वन ईयर ओवर ईयर्स, ठीक है ना। तो ये जो है पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज, ये भी पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज हैं, और ये जो है अपने लाइफ साइकिल को, अपनी डिजीज साइकिल को कंप्लीट करती हैं एक से ज़्यादा साल में, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर ये कहने का मतलब ये कि वे फसलें जिसमें, जैसे मान लीजिए कि कुछ रबी कंडीशन की फसल्स हैं, यानी कि एप्पल है, तो रस्ट ऑफ एप्पल जो है एक पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ है। कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ और पॉलिटिक डिजीजे जो है दोनों एक तरह से दिख रही हैं। तो कंपाउंड डिजीजेज में जो फसलें होती हैं जिनके ऊपर डिजीज इंसिडेंस होता है या डिजीज जिसके ऊपर आता है, वो जो फसल होती है एक वर्ष के लिए होती है, ठीक है ना। एक वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, फिर वो फसल कट गई, फिर दूसरे साल जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट की, फिर वो फसल कट गई। तो इस तरह से जो है ईयर टू ईयर जो है फसल कटती रहती है और वो अपने डिजीज जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जबकि पॉलिटिक डिजीज में क्या है कि फसल एक होगा, ठीक, लेकिन अपनी डिजीज साइकिल जो है वो विभिन्न फसलों पर, विभिन्न प्लांट्स पर जो है इस तरह से क्रिएट करेंगी, जैसे सीडर एप्पल रस्ट है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन जनरेशन के आधार पर जो है तीन तरह की डिजीज होंगी, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज या मोनोसाइक्लिक डिजीज, दूसरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज या पॉलीसाइक्लिक डिजीज, और तीसरा जो है पॉलिटिक डिजीजेज। और लास्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन का, सॉरी अभी जो है लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट जो है क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है कि पैथोजन आइडेंटिटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ काज, यानी कि काज का मतलब हो गया पैथोजन, काज का मतलब हो गया जिसके कारण डिजीज होता है। तो किसके कारण डिजीज होता है, तो आपको पता है कि डिजीज जो है पैथोजन के कारण होता है। तो पैथोजन आइडेंटिटी के आधार पे जो है डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया है, और पैथोजन आइडेंटिटी के आधार पे जो डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया वो देखें तो कॉज ऑफ द डिजीज दैट इज फंगस आर वायरस एट्सेट्रा, यानी कि डिजीज का कारण क्या है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा है, या और अन्य क्या है, कौन से काज हैं जिसके कारण ये डिजीज हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पॉसिबल डिजीज डेवलपमेंट एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, कि डिजीज़ का जो है डेवलपमेंट कैसे है, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके डेवलपमेंट की, और होस्ट का और पैथोजन का, यानी कि होस्ट वे प्लांट है जिनके ऊपर पैथोजन यानी कि काजल ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, तो उनको होस्ट कहते हैं, होस्ट और पैथोजन का इंट्रैक्शन क्या है। और लास्ट जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू बी अप्लाइड, और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट जो डिजीज के क्लासिफिकेशन का जो बेसिक है, इन्फेक्शियस या पैरासिटिक, बायोटिक और नॉन इन्फेक्शियस या ए बायोटिक डिजीजेज, यानी कि बायोटिक डिजीजेज में वे डिजीजेज आती हैं, ऐसे कारण आते हैं जो बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाए जाते हैं। आपको पता होगा फंजाई यानी कि कवक, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस का मतलब आप वायरस जानते हैं, वायराइड्स, फाइटोप्लाज्मा, RBCs या जो भी हैं, निमेटोड्स, हायर पैरासाइट्स, जितने भी हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक हैं, यानी कि जिनके अंदर लाइफ पाई जाएगी, और अगर वो डिजीज़ क्रिएट करती हैं, डिजीज़ फैलाती हैं, तो उनको हम कह देंगे क्या, बायोटिक डिजीजेज या बायोटिक पैरासाइट, ठीक है ना। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज फैला रही है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायराइड्स है, फाइटोप्लाज्माज है, जितने भी हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनके द्वारा अगर कोई डिजीज फैलाया जाता है तो इन्फेक्शियस,
और कुछ नॉन सब्सटेंस जैसे जिंक की डिफिशियंसी हो गई, क्लोरीन की हो गई, या माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप जानते हैं कि कुल जो है न्यूट्रिएंट्स जो फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें जिंक है, क्या नाम है, नाइट्रोजन है, फिर आपका बोरान है, फिर ऐसे मॉलिब्डेनम है, ऐसे के कारण या कोई फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी के कारण या फिर कोई इंजरी के कारण अगर कोई डिजीज़ क्रिएट हो रहा है तो उसको हम कह देंगे नॉन इन्फेक्शियस या एबायोटिक डिजीज़। तो पूरा का पूरा जो है यह डिजीज़ का क्लासिफिकेशन था, फिर से एक बार आप रिवाइज़ कर लें तो आप देखें ऊपर से तो आप स्पष्ट यहाँ पे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, किस एक्सटेंट के आधार पे, फिर जो है नेचर ऑफ प्रपोर्टेशन क्या है, कि सॉयल बॉर्न है, कि एयर बॉर्न है, कि सीड बॉर्न है, फिर सिम्टम्स कौन कौन से क्रिएट करते हैं सिम्टम्स के आधार पे आपने देखा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट प्लांट किस प्लांट के ऊपर डिजीज इंसिडेंस है उसके आधार पे देखा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप यानी कि फसलों के नाम के आधार पे देखा, फिर आर्गन किस कौन से प्रभावित होते हैं उसके आधार पे देखा, फिर किस तरह से अकरेंस है, इंडेमिक है कि इपिडेमिक या इपिफाइटोटिक है, या फिर इपिफाइटोटिक में ही जो है स्पोरेडिक और पेंडेमिक है, और फिर जो है आपने देखा कि पैथोजन के जनरेशन के आधार पे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है पॉलिटिक डिजीजेज हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ काज या पैथोजन आइडेंटिटी के आधार पे देखा, फिर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, आप उम्मीद करूंगा कि आप समझ जाएंगे, समझ में अगर नहीं आता है तो किसी भी तरह की किसी परेशानी में आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर जो है मिलेगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।